बुढ़ापे को बचाने के लिए नारद जी ने उपदेश दे दिया, आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाए उसके लिए मैं भी आपको भागवत उपदेश दे रहा हूँ महाराज। बुरी तरह आवे बने, बुरी तरह आदमी को टेंशन ही रहे वे। अच्छा एक बात बताओ, जिनकी कमर में और घुटने में दर्द होता है, अगर उनके बिस्तर में अचानक आग लग जाए तो वो क्या करेंगे? रे जी करेंगे कहिए तो बताओ। कठिन काम है, इसलिए कोई दुश्मन हो न हो पर ये बुढ़ापा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और इतना मीठा दुश्मन है कि ये बंदूक से भी मरने वाला नहीं है। काय से मरता है? ये हिमालय जाने से ये खत्म हो जाता है।
चलिए हिमालय कौन चलेंगे? अब हम सब चलेंगे हिमालय, आप घबरा मत, आप सब लोग बुजुर्ग चलो, हम जवान आपके साथ चलेंगे। जहां भी कम ज्यादा होगा हम लग जाएंगे एकदम खंभा बन के, आपको गिरने नहीं देंगे। हाँ, 11 मई से सुखताल में कथा, सब लोग चलो वहां, खूब नहाएंगे नदी में और खूब पाप धोएंगे और गुटखा छोड़ के आएंगे, तमाकू छोड़ के आएंगे उधर, और बुढ़ापे को भी वहीं छोड़ देंगे, वहां से सब नया करके लाएंगे। जब तक घर का त्याग नहीं होगा थोड़ा बहुत, तब तक नई एनर्जी हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। कथा तो हम नंदुरबार में कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, पर बड़ी दुश्मनी ये है कि कथा सुन के सीधे वहीं गड्ढे में जाके गिरेंगे। कहां? सुखताल, जहां से आए 3 बजे वहां सुखताल में आ गए, तो एक बार आ गए तो 10 दिन से पहले कोई दुकान लगने वाली नहीं है, अपने आप ही इलाज हो जाता है। एक मरीज ऐसा होता है डॉक्टर दवा दे के घर भेज देता है, एक मरीज ऐसा होता है जिसे 3 दिन को एडमिट कर लेता है, एक मरीज ऐसा होता है जिसे 8 दिन के लिए एडमिट कर लेता है। तो आप सब लोग ऐसे मरीज हैं कि आपको 11 दिन एडमिट रहना पड़ेगा सुखताल में, फिर आप वहां से परफेक्ट होके आ जाएंगे। और एक नई बात तो सुनो, सुखताल में अपन क्या करेंगे, सुबह 5 बजे शिविर करेंगे, योगा प्राणायाम व्यायाम, और 7 बजे से 1 बजे तक पानी की बूंद तक मुंह में नहीं जाने दूंगा। फिर आप सोचेंगे कि अब हम आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें खदोड़े लोग और आप खाने के लिए ना बोल रहे हैं। सबसे पहले हम तो कथा सुनते सुनते पी लेते हैं और आप तो पानी की बूंद तक के लिए संकल्प दे रहे हैं। हम क्यों संकल्प दे रहे हैं बताओ, किधर मुंह करके पूछूं? हाँ, व्यायाम करने के बाद में शरीर में कुछ भी थोड़ी देर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे अंदर जो खराबी जो चीज है वो भस्म हो जाती है, जल जाती है वो व्यायाम से। अगर तुमने खा लिया पी लिया तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाती है व्यायाम से। इसीलिए थोड़ी देर निराहार रहना, और वो नियम वही हो सकता है। और खुले आसमान में नदी में नहाने का पुण्य बताया गोमती माता में, इसीलिए उस गंगा जल में जहां पर ऋषि मुनि स्वयं राजा परीक्षित ने वहां कथा सुनी है भागवत की, अवश्य उस आसन पर बैठकर कथा करने का अवसर मुझे आया है, तो आपको भी कथा सुनने का भगवान अवसर देना चाहिए। संकल्प करो कि हम जरूर वहां पहुंचे और कथा का आनंद लेवें, क्योंकि वहां से ही शुरुआत हो द्वार की। धीरे धीरे करके अभ्यास हो जाएगा वनवास जाने का, 10 दिन छोड़ो फिर 20 दिन छोड़ेंगे, एक साथ नहीं कुछ होगा। एक आदमी और दूसरा आदमी दोनों मित्र थे, और दोनों मित्र एक दिन ऐसे कंपटीशन में चले गए, वहां जाकर उन्होंने वो कंपटीशन खेला। कंपटीशन क्या है, कंपटीशन है कि वहां पे जो नंदी था, नंदी, उस नंदी को उठाना है और 1,00,000 रुपए जीतना है। दोनों मित्रों ने वहां पर अपनी अपनी पहलवानी दिखाई नंदी को उठाने के लिए, तो जो कैलाश नाम का पहलवान था उसने कोशिश की नहीं उठा पाया, और दूसरा जो लक्ष्मी नारायण था वो उसने कोशिश की उठा लिया। अब सब लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या राज है कि तुमने उठा लिया और इसने नहीं उठाया, वैसे तो ये ज्यादा बड़ा पहलवान है तुमसे और तुम कम पहलवान हो उससे, फिर तुमने कैसे उठाया? तो लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मैंने इस नंदी को उठाने के लिए अपने 11 साल खोए, तब नंदी उठाने की काबिलियत मुझ में आई है। नंदी को उठाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, नंदी को उठाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं 150 किलो वजन का आदमी शक्कर की बोरी ट्रक में से नहीं उतार सकता, और 35 किलो का टूटा फटा लंगड़ा लूड़ा सा पतला सा आदमी पूरे ट्रक को खाली कर रहा रेलवे स्टेशन पे, पूरी फैक्ट्री भर दी सीमेंट की, उसने पूरा रेलवे खाली कर दिया, उसने दुबला पतला सा कुछ का क्या ट्रैक आ गया उसको, अभ्यास हो गया है, और हट्टे कट्टे से बाल्टी बाथरूम में से बाहर नहीं आती, इनसे मोच आ जाती हाथ में बाल्टी उठा ली तो।
इसीलिए अभ्यास चाहिए, त्यागने का अभ्यास चाहिए। इसीलिए तो हमारे साधु संत और ऋषि मुनियों ने व्रत बनाए हैं कि एक दिन भोजन मत करो, एक दिन पानी मत पियो, एक दिन वस्त्र त्याग दो, एक दिन ये त्याग दो, एक दिन मौन हो जाओ, एक दिन ये हो जाओ, एक दिन वो हो जाओ, और एक दिन सूखे कुआं में। अब कुछ भी नहीं करेंगे तो अंत में कहां जाना फिर बताओ, पर्याय पे पर्याय बता रही है कथा। इसके बाद ये नहीं तो ये कर लो, वो नहीं तो वो कर लो, वो नहीं तो वो कर लो, और जब कुछ भी नहीं करना है तो बिल्कुल वही जाना है जो महाराज जी ने कह दिया है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। गाय ने बछड़ा दिया, कितना बड़ा होता है गाय का बछड़ा, कोई भी उठा लेगा उसको। नारायण ने अपने गौशाला का गौ का बछड़ा रोज उठाया, जैसे बछड़े में वजन बढ़ता जाता, अभ्यास बढ़ता जा रहा है उसका, तो 100-100 ग्राम वजन रोज बढ़ाते जाओगे तो आप कितना भी वजन उठाने की ताकत कर लोगे पैदा, पर एक साथ कोई उठाने की कोशिश करेगा तो उठने वाला नहीं। इसीलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा समय आत फल होए। धीरे से अगर करोगे तो सब अभ्यास पूरे हो जाएंगे। आज नारद जी ने कहा पांडवों को पहले गंगा जी पे जाओ, थोड़े दिन हरिद्वार में रुको, फिर ऋषिकेश में, फिर केदार बद्रीनाथ में, और अंत में हिमालय जाके भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण उद्धार हो जाएगा। पांचों पांडव निकल गए, गंगा जी पहुंचे, स्नान किया, गंगा माता का पूजन किया और अपने पितरों की स्मृति का अर्घ दिया भगवान नारायण को। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ में जाके स्मरण किया, जाप किया, कंकड़ पत्थरों की पूजा की और आगे हिमालय की ओर बढ़ने लगे। महाराज सबसे पहले मृत्यु द्रौपदी को आई है, द्रौपदी सबसे पहले मरी, क्योंकि द्रौपदी को स्वर्ग प्राप्त हुआ। कहते हैं केदारनाथ आदि में जाने के बाद जिन्हें झटपट मूर्छा आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो वो झटपट मतलब स्वर्ग में गए, और जो स्वर्ग में जाते हैं वो पुण्य आत्मा होते हैं, पर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु लोक पे ही आना पड़ता है लौटकर। इसीलिए आप कितनी भी बात समझ लीजिए, जो भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो पानी बोरिंग में से ऊपर सेंटेक्स की टंकी में चढ़ाते हैं वो कहां पे आता है अंतिम में, जहां से गया है वो वहीं आके ठहरता है, यही होता है पुण्य का फल। थोड़े समय वो टंकी में बड़ा रहेगा, बोसगिरी करेगा, मैं चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, पर जैसे कोई नहाने के लिए बैठेगा वैसे ही वो नीचे फिर आएगा, और आने के बाद में उसकी दुर्गति हो जाएगी। पहले बोरिंग में से पवित्र निकला, अब वो ऐसी नाली में जा रहा है जहां पे सारी गंदगी साथ में ले जा रहा है महाराज। इसीलिए स्वर्ग में जाना भी रामायण में अच्छा बताया नहीं है महाराज। स्वर्ग में भी जाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा थोड़ी थोड़ी स्वर्ग का आनंद ले लो, ज्यादा स्वर्ग में नहीं, कितनी देर स्वर्ग में रहना चाहिए, जब तक हम बैकुंठ जाने की सब योजना ना कर लें तब तक स्वर्ग में रहो, बैकुंठ में चले जाएं तो मामला खत्म हो गया आने जाने का। सदगुरु भगवान सौनक आदि ऋषियों को सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि नारद जी को जो कह रहे थे, माता को शिव जी जो कह रहे थे, आज ऋषि नारद जी मैत्र ऋषि को जो कह रहे हैं वही मैं आपको कह रहा हूं। प्रबुद्ध बोधम भागवतम यथानाम, श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने मैत्री और गार्गी को सुनाते हुए कहा कि पांचों पांडवों की द्रौपदी का स्वर्ग आरोहण हो गया, फिर नकुल सबसे छोटे भैया को मृत्यु ने घेर लिया, सबसे पहले उल्टी गंगा बह रही है, जो छोटे हैं वो पहले मर रहे हैं। सबसे कम आयु की द्रौपदी है पांचों पांडवों में, इसीलिए उसने पांचों को पति मान लिया, क्योंकि पत्नी हमेशा अपने से 2 साल 1 साल 6 महीने बड़ा पति मानती है। नकुल भी बड़ा था द्रौपदी से, सहदेव भी मरते जा रहे हैं अब छोटे से शुरू हो रहे हैं, अर्जुन भी स्वर्ग में गया, भीम भी स्वर्ग में गए, 6 महीने में द्रौपदी सहित 5 गए स्वर्ग में, अब एक ही बचा है, वो कौन है, धर्मराज। धर्मराज को 6 महीने तक मृत्यु नहीं आई। कहते हैं दक्षिणायन जब चल रहा था तब वो गए थे हिमालय, जब तक मकर राशि में बुध नहीं बैठेगा तब तक जब जो है उत्तरायण नहीं आएगा, और उत्तरायण नहीं आएगा तब तक भगवान के बैकुंठ के द्वार खुलने वाले नहीं। हां जी, हिमालय कब खुलेगा, जून में, दरवाजे खुलते हैं और बंद हो रहे हैं, भगवान के दरवाजे बंद हो गए, इस समय खुले हुए मरने में फायदा है। मार्च में ऑडिट चल रहा है भगवान का भी,
इसलिए बेटे फायदा हो जाएगा। 14 जनवरी से चालू है, दरवाजे खुले पड़े 14 जनवरी से, मार्च अप्रैल और मई तक लास्ट है कार्यक्रम। जैसे ही केदारनाथ के दरवाजे खुलेंगे और बैकुंठ के दरवाजे को लॉक लग जाएगा महाराज, धरती लोक पे दरवाजे खुलते ठाकुर जी के, तो असली दरवाजे भगवान के बंद भी हो जाते हैं। फिर 6 महीने उत्तरायण चालू हो जाएगा जून से, फिर तुम्हारी दार गलने वाली नहीं है, फिर जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हां जी, उत्तरायण में आरक्षण मिलता है, इसलिए मरने के लिए 6 महीने धक्का देके निकाल लेना चाहिए। अभी मत टालना मृत्यु आ जाए तो, उत्तरायण चल रहा है अभी आ जाए तो जल्दी से पहन लो माला की तरह मृत्यु को, क्योंकि आरक्षण मिलने के अभी चांस है। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने थोड़ा समय दिया था ना लोगों को आरक्षण, इतना भर दोगे तो इतना हाँ व्हाइट कर लो, तो ये 6 महीने दिए भगवान ने तुमको व्हाइट करने के लिए उत्तरायण में। बेटे जमा कर दे पूंजी ईमानदारी से, मैं सब माफ कर दूंगा। जैसे ही जून का महीना आएगा, बरसात शुरू हो जाएगी, तो सारे देवता धरती पे आ जाते बारिश के मौसम में, फिर उधर फिर आरक्षण मिलता नहीं, बंद हो जाता है कोर्ट कचहरी, उधर देवता धरती पे आ जाते, मेघ के साथ में बादल आ जाते, बिजलियां आ जाती, अग्नि आ जाती, चंद्रमा आ जाता, हरियाली आ जाती, रस आ जाता, अमृत आ जाता, औषधियां सब यहां बहते देवी देवता। फिर वहां क्या है, सारे देवता कब आ जाते धरती पे, जून के बाद चले आते सीधे धड़े धड़े दाएं दाएं, सोते सोते पता चल जाता है कि देवता आ गए। फिर सुबह अखबार में आ जाता है क्या, तलोदा के बगल में 3 आदमी मर गए बिजली से, वहां पे भैंस मर गई बिजली से। ये क्यों मर गए, क्योंकि देवताओं की ताकत ही ऐसी, उनमें तेज ऐसा है कि उनका तेज कोई कोई सहन कर लेता है, कोई कोई सहन करता नहीं है। आ गए महाराज, इसीलिए मैंने थोड़ी मजाक मजाक में भागवत की असली सिद्धांत की कथाएं भी आप तक पहुंचाई। इसीलिए परमात्मा करे जिस समय हमारे पास में प्रभु को देने के लिए उत्तर है, उसी समय उत्तरायण है, और उसी उत्तरायण में तरने के लिए उत्तरायण आता है। तो जो तरना चाहते हैं वो उत्तरायण में मृत्यु को स्वीकार करने के लिए भीष्म पितामह की तरह कितना भी कष्ट भोगना पड़े, पर दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त ना कीजिए। भगवान के हाथ में है, चरण पकड़ लो ठाकुर जी के, कुछ भी कर लो, कैसे भी धक्का मारकर ले जाओ, परमात्मा कर देंगे। आज भगवान श्री सूत जी ने ऋषि मुनियों को भागवत के माध्यम से समझाया कि पांचों पांडव जब चले गए तो धर्म राज्य के साथ में एक और चीज है जो बहुत ही अलबेली है, अद्भुत है वो चीज, क्या, प्रबंध कंठम शरीरोत व्याधीना। धर्मराज के शरीर को व्याधियों ने घेर लिया, जो थोड़ा पुण्य करके गए थे, थोड़ा पाप करके गए थे, वो झट से स्वर्ग में चले गए और फट फट मर गए। पर जिसने कभी पाप नहीं किया उसे मृत्यु सता रही है, तकलीफ दे रही है, गल गल के मर रहा है, एक एक अंग कट रहा है, पैर की उंगलियां कट गई, पैर का अंगूठा कट गया, पैर कट गया, एक एक अंग कट के जा रहा है, पर धर्मराज को मृत्यु नहीं आ रही है। साथ में कौन था धर्मराज के, वफादार कुत्ता भी था धर्मराज के साथ में। भागवत कहती है कि जैसे ही षष्ठ मास का उत्तरायण आया, धर्मराज को जैसे ही भगवान नारायण ने स्थान दिया, उसके साथ में उस चांडाल कुत्ते को भी बैकुंठ में जाने का मौका मिला। इसीलिए हम आपको कहते हैं, चाहे आप कितने भी चांडाल हो, कुत्ते के समान ही हो, फिर भी किसी महापुरुष की उंगली पकड़े रहोगे तो फ्री में ही बैकुंठ के। धर्मराज के साथ में कुत्ता चला गया बैकुंठ में, पर भाई और बीवी नहीं गई। क्यों, वफादार कुत्ते को ज्यादा बताया है, नींद जब सताती है तो बीवी भी सो सकती है और भाई भी। हाँ, चाहे जितनी निद्रा सता रही हो पर कुत्ते को नींद नहीं सताती, यही मेहमान है कुत्ते। कुत्ते को निद्रा नहीं सताती है, घोड़े को निद्रा नहीं सताती है, घोड़े को, कुत्ते को निद्रा नहीं आती इनको, और इनको निद्रा नहीं आती है, इसीलिए इन्हें राजा महाराजा सैनिक सिपाही पालते हैं, इनकी रक्षा और इनका पालन भी करते हैं। घोड़े का पालन और कुत्ते का पालन सब सेना करती है। क्यों करती है सेना, बताइए आप, घोड़ा नहीं सोता कभी, कुत्ता भी कभी सोता नहीं, इसीलिए फौज में कुत्ता, घोड़ा भी फौज में, पुलिस में कुत्ता, पुलिस में घोड़ा, क्यों,
आदमी सो जाएगा पर ये दोनों कभी सोते नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं हम देख रहे हैं जानवरों में अंदर भी परमात्मा ने बड़े बड़े गुण दान किए हुए हैं, पर कुत्ते के अंदर यही खूबी है कि वो नहीं सोता है और अपने मालिक के लिए चौकीदारी का काम करता है, जागरण का काम करता है। ये वफादारी उसका सहज गुण है, पर उसके अंदर अवगुण भी बहुत ज्यादा है। पर हरि जी मोरे अवगुण चितन धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चितन धरो। क्यों भाई, एक बार भगवान के सामने इस भावना से जाकर लेट जाइए, जैसा हूं प्रभु तेरा हूं, जो भी है सब तेरा, मैं तो तेरा ही कठपुतली हूं प्रभु, जैसे तूने नचाया प्रभु, ऐसी बात कहो भगवान से। पर तुम कैसे ईगो में आ जाते, भगवान को तो भूल जाते और सब जगह खुद ही करतार बन जाते, सब जगह जहां चाहो वहां पे ये मैंने कर लिया, वो मैंने कर लिया, ये मेरा हो गया, ये तेरा, ये करतार। ऐसा करने से फिर कोई भी अवगुण माफ होने वाला नहीं है। हाँ, फिर नहीं होगा। ये अवगुण कब माफ होते हैं भगवान के यहाँ? जब हम भगवान को ही अपना कर्ता धर्ता मान लेते हैं, तब। जब तक हम उसे अपना सर्वस्व नहीं मानेंगे तब तक हमारे गुण अवगुण सब कुछ भगवान हमें भूल में नहीं डालेगा हमारे। हाँ, स्वीकार कर ले। आप ही बताइए, आपका बच्चा कितना लार डालता है, नाक डालता है, थूक डालता है, उल्टी डालता है, दिन भर मूत लेता है, दिन भर शौच कर लेता है, तो भी मम्मी क्या उसे फेंक देती है? कितनी सारी बुराइयां लेके बच्चा बैठा, फिर भी मम्मी गले से लगा के घूम रही है, और इतना गले से लगा लेती है कि मलमूत्र बिस्तर में और चड्डी में कर लेता है, तीन तीन घंटे तक आजू बाजू वालों को पता भी नहीं चलने देती कि छोरा ने कर लिया कार्यक्रम। है पल्लू से ढकलेगी और बैठी रहेगी उसको। हाँ जी, पूरी कथा हो जाएगी, सात बजे तक किसी को पता ना चल जाए, घर पे जाके सब हो जाएगा। इतनी ज्यादा सहन माँ कर लेती है, तो इन माओं से ज्यादा सौ गुना हजार गुना ज्यादा बड़ी माँ परमात्मा है, वो भी सबको गोद में ले लेगा और सारे अवगुण छुपा लेगा। पर तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है माँ, ऐसा जब तक बालक नहीं सोचेगा तब तक भगवान भी उसे माफ करने वाला नहीं है। हाँ जी, बालक सबकी गोद में रोवे पर मैया की गोद में सोवे, ऐसी तुम भी भगवान की छत्र छाया में आनंद लीजिए ना, शांति पाओ शांति, और दिल में कबूल कर लो, दिल को स्वीकार करवा लो कि दुनिया में अगर शांति कहीं भी है तो वो तो प्रभु के आंचल में है। इसलिए हे भगवान, अपने आंचल से कभी दूर मत करियो। हाजी, नहीं करेगा भगवान, क्यों? नीचे दाएं बाएं चारों तरफ उसने अपना आंचल बिछाए रखा हुआ है, जहां पर आप पैर रखते हो वहां पर वो पहले आंचल बिछा देता है। माना ये धरती क्या है, ये धरती क्या है बताओ ना? कुछ नहीं है, समुद्र के ऊपर बहता तैरता हुआ आंचल है भगवान का। अगर ये पल्लू थोड़ा भी अगर डगमग हो गया तो फिर आप कितने भी ताजक रहो, बलवान रहो, दौड़ने वाले रहो, भागने वाले रहो, फिर आप बिना डूबे भव सागर में रह नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा करे आप जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में इस भव बंधन से मुक्त होकर, भव सागर से पार होकर प्रभु को स्वीकार कर लें। उसके लिए आज धर्मराज को मुक्ति प्राप्त हो गई और भगवान का धाम मिला प्राप्त हो गया, और साथ में धर्मराज के कुत्ता भी तर गया। इसीलिए हम सबको ये भागवत संदेश देती है, भक्ति कम हो या ज्यादा, अच्छाई कम हो या ज्यादा, पर जो ज्यादा अच्छे हैं, जो ज्यादा भक्त हैं, उनके साथ में उनकी परछाई में हमें अपना जीवन अरुण कर देना चाहिए। हे गुरुदेव, आप ही हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि हमने भगवान देखा ही नहीं है, आपको ही हम भगवान के रूप में जानते हैं। अच्छे हैं बुरे हैं आपके हैं, आपकी छत्र छाया से हमें कभी दूर मत करो। तो धर्मराज जैसे चले गए कुत्ते को तारते, वैसे कोई महापुरुष शिष्य को भी तार देते हैं महाराज, आप भी तर जाएंगे, क्योंकि महाराज सबरी को भी गुरु ने ही तारा। मातंग ऋषि की शिष्या सबरी, उनकी छत्र छाया में रही, कभी छाया नहीं छोड़ी। गुरु के शरीर पूरे हो गए, निर्वाण हो गया, शरीर मर गए, पर कभी भी सबरी ने गुरु की छत्र छाया को नहीं छोड़ा।
तो आज भगवान स्वयं आंचल लेके पहुंच गए सीता जी का सबरी के लिए। लो देह धरई श्री राम जब ओढ़े धर्म विशाल, सबरी को धर्म की चादर उड़ा दी राम जी, पूरा कर दिया सबरी का कार्य। कितने वर्ष लगे ये सब करने में, कोई 80 साल बोलता है, कोई 100 साल बोलता है, पर हम कहते हैं चौथी अवस्था में सबरी को राम मिले। तब तक हमें निरंतर भगवान की गुरु की छत्र छाया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा पकड़े हो पर याद रखना, वफादार होता है कुत्ता तो चेला को भी वफादार ही रहना चाहिए। हां जी, डाल डाल और पात पात पे छोटे छोटे मतलब और स्वार्थों के लिए अगर आप अंधविश्वास में पाखंड में अज्ञान में पड़ोगे तो ज्यादा दिन तक तुम्हारा ऐश्वर्य टिकने वाला नहीं रहता है। इसलिए पांडवों को उपदेश दे दिया नारद जी ने और देखो हिमालय से लेकर वैकुंठ तक पहुंचा दिया। अब यहां पर कथा लौट के आई कहां पर, पांडव चले गए, 13वां 12वां 14वां जो भी होता है पाखंड सब पूरा हो गया, उसके बाद में परीक्षित महाराज की नई जिंदगी शुरू हो गई। महाराज बोलिए भागवत महापुराण गोविंद राधे कृष्ण गोपाल गोपाल
नर जी ने भगवान के चिंतन का, भगवान के स्मरण की महिमा का गान किया। बाद में राजा परीक्षित जब राजगद्दी पर बैठ गए तो आज राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के हस्तिनापुर के प्रहन सहन के लिए निकल गए। महाराज परीक्षित ने निश्चय किया, जब राजा बन गया हूं तो मुझे थोड़ा भ्रमण करना चाहिए अपनी प्रजा का, और मुझे देखना चाहिए कि मेरी राजधानी में प्रजा कैसी है और कहां कहां तक हमारा साम्राज्य है। जैसे ही परीक्षित महाराज घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर घर से निकले, जिधर से सूर्य उदय होता है उधर, तो आज राजा परीक्षित ने देखा कि सूर्य उदय साथ ही सरोवर जो हो, पानी जो भरने वाला सरोवर, वहां पर एक कली पुरुष जो था वो बैठे हुए बैल को पीट रहा था डंडे से, लठिया से। राजा ने अपनी प्रजा को देखा, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है भाई, बैल ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो बैठे बैठे उसे पीट रहे हो, और तुम हो कौन हमारे हस्तिनापुर में? ऐसा आता ताई, ऐसा दुर्जन बुद्धि कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठे हुए पशु को मारे, और तुमने बैल को मारा है इसलिए तुमने अपराध किया है, बोलो कौन हो तुम? राजा परीक्षित ने पूछा तो कल पुरुष को अपना अहंकार था। कलयुग ने कहा मेरे जानकर घबरा जाओगे मैं कौन हूं, इसलिए हे महापति न जानो तो ही अच्छा है, चले जाओ। जो बैठा है, जो गिरा है, जो दुखी है, मैं उसी को दुखी करता हूं, मेरा यही धर्म है। कौन है तू? तत्व धर्मम प्रियात्मनम कल पुरुष मेधानम, मेरा नाम कल पुरुष है। कल पुरुष, कल पुरुष का मतलब यह नहीं होता कि वो ऊपर से काला है, कल पुरुष का मतलब है क्लिष्ट विचार वाला, जिसके विचार काले हैं, जिसका दिल काला है, जो किसी को भी खाते पीते बैठते खुश नहीं देखता, कल पुरुष। राजा परीक्षित ने कल पुरुष को तीन बार समझाया, प्यार से समझाया, पहले नहीं माना तो फिर कहा लो जहां करना है वहां करो, पर हमारा गांव छोड़ के दूसरे गांव जाओ। नहीं माना फिर भी राजा परीक्षित ने तीसरा संविधान अपनाया, और वो संविधान है दंड का, साम दाम दंड, ये तीसरा विधान हो गया गीता का। पहला विधान भी अपनाया, समझाया नहीं माना, फिर दूसरा दाम मने दे लेके मान जाओ, यहां नहीं वहां जाओ, दूसरे गांव जाओ, हमारी संस्था छोड़ दो, हमारा नगर छोड़ दो, जो करना है वहां करो, हमारे यहां नहीं चलेगा ये, नहीं माना। तीसरा दंड, युद्ध किया, युद्ध में परिचित हो गया, राजा परीक्षित की विजय हो गई, चरणों में गिर के माफी मांगने लगा, प्राण दान दे दो, प्राण दान। राजा परीक्षित नए नए राजा थे, अनुभव ज्यादा नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि राजा जब माफ करता है तो उसकी जय जयकार हो जाती है। राजा ने यह नहीं सोचा कि वो माफ कर किसको रहा है। याद रखिए, जो तुम्हें मारने के लिए आया है, जो राष्ट्र को ठगने आया है, उसे माफी देना ही सबसे बड़ी मूर्खता है महाराज। आज राजा परीक्षित ने सम्राट की गद्दी पर बैठ करके दुष्ट को माफ करने के लिए तैयारी कर ली, माफ किया। कलयुग ने कहा माफ कर दिया प्रभु, तो मुझे रहने के लिए छोटी सी जगह और दे दो। राजा परीक्षित ने जगह दान कर दी महाराज, अलग अलग, सबसे पहले जगह वो दी जहां पर कोई सज्जन नहीं रहना चाहता होगा, और उस जगह का नाम है मदिरा। राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग, मदिरा में निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज हर समय मदिरा में कैसे रह सकूंगा, वो तो बहुत बुरी चीज है, उसमें हर समय नहीं रहूंगा प्रभु, थोड़ी तो अच्छी जगह दे दो, कम से कम संडे संडे में घूमने फिरने जाऊं, इतना तो अच्छा करो। तो राजा ने कहा ठीक है, कहां जाओ? तो कहा तद्द्वंद हिंसान मूलम, जिस घर में सास बहू में, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, तुम वहां जाकर निवास करो महाराज। कहते हैं कलेश में चले जाओ, आग लगा के मर जाती है बहन जी, पति ने कड़क बोल दिया, पति गया पीछे से आग लगा ली, किसे आग लगाई? कलयुग के प्रभाव से।
कलेश में कलयुगा जाता है फिर बुद्धि काम नहीं करती। जैसे घर से सब लोग चले जाते हैं बाद में आग लगाने का काम कलयुग करवाता है। रात में उठ के चले गए रेल के नीचे जाके सो गए। कौन लेके गया? कलयुग। क्योंकि वो कलेश में ही रहता है हमारा दिन भर कट 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 कलयुग से कटकट रहती है दिन भर। इसीलिए यहां जितने लोग लुगाई आए हैं स्त्री पुरुष आए हैं और जो भी मुझे टेलीविजन पर भी सुनेंगे उन सब के लिए एक ही संदेश है, सुबह यज्ञ जिस घर में पति पत्नी कर लेते हैं वहां कलयुग के पैर टिकते नहीं, वहां से कलयुग गायब हो जाता है। क्योंकि जिस युग में यज्ञ होते हैं जब युग कलयुग आता ही नहीं है। कब होते हैं यज्ञ? यज्ञ होते हैं त्रेता युग में, यज्ञ होते हैं द्वापर युग में, यज्ञ होते हैं सतयुग में। और जब युग होते हैं तो द्वापर रहता है कलयुग नहीं, त्रेता रहता है कलयुग नहीं, सतयुग रहता है कलयुग नहीं। जब यज्ञ नहीं रहेगा तब कलयुग आएगा। इसीलिए कली सयानो भवति, खाते पीते नींद आए। समझ लो कलयुग है इस घर में, खाते पीते नींद आ जाए। खाले पीले चलो सो लो, खाले पीले चलो सो लो, खाले पीले सो लो। कई लोग तो सोने को भी काम समझते हैं। अरे हम तो सोए भी नहीं, अरे हम तो सोए ही नहीं। ले ओ जी ये मेला है जो 12 साल बाद आएगा, सोए नहीं तो रात को सो लेना है। पूरी रात निकल गई, आंख तक बंद नहीं हुई है, क्या किया है? मर गया एक रात में। कुत्ता जन्म लेता है तब से मरता तब तक नहीं सोता, फिर भी उसमें दौड़ भाग में कोई कमी आती नहीं। और ये एक रात में पूरे खानदान को बता रहा है रात भर नहीं सोया, रात भर। अरे एक आध दिन मत सो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? जागते रहो, सो गया सो। इसलिए कितना ट्रेस ले लिया, मैं सोया ही नहीं, मैं सोया। सोना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, पर काम मत समझो उसे, वो अनायास सुख है बॉडी का, अपने आप आ जाता है वो, अपने आप, लेना नहीं पड़ता, उसके बारे में सोचो मत। बॉडी जब मांगेगी तो पानी, चिल्लाता कि नहीं कलेजा, प्यास प्यास, भूख लगती है तो चिल्लाता कि नहीं पेट? हाँ, ऐसे नींद जब आएगी तो अपने आप चिल्लाएगी वो, उसके बारे में तुम मत सोचो। तुम क्यों सोच रहे हो? साढ़े 12 बज गए अभी तक नहीं सोई, ऐसा क्या हो गया? 12:30 बजे सोने का कौन सा शास्त्र है? हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा इतने बजे सोना। ये तो हमने और आपने नियम बना लिए कि भाई 9 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। स्वास्थ्य के लिए हमने बनाया नियम। दिन भर हम एनर्जी व्यय करते हैं ना, दिन भर काम काज करते हैं, थकते हैं तो जल्दी सोने को होना, एनर्जी लेने को होना, सुबह जल्दी से निकल के काम पे लगने को होना। ये तो ठीक नियम, मानव के नियम है ये, पर शास्त्रकृत नियम नहीं है ऐसे। एक भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि 9 बजे सो 4 बजे उठो। शास्त्र ये कहता है संध्या काल समय पर विश्राम करें और सुबह प्रातः काल से पहले ही उठ जाए, प्रातः काल से ही पहले। प्रातः काल कब होता है? प्रातः काल तब होता है जब सूरज धरती पे आता है, उसको प्रातः काल कहते हैं। आपने जो इशारा किया है उसको ब्रह्म काल कहते हैं। कौन सा काल? ब्रह्म काल। सूरज नहीं, ब्रह्म काल में कोई देवता नहीं आता, अकेला भगवान रहता है और किसी को दिखता नहीं है। और सूरज जब आ जाता सब दिखें, फिर अड़ोसी पड़ोसी भिंडी टमाटर सब दिखने लग जाए। सूरज आया तो सब दिखे दूर से, ओहो कांटा 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 कांटा, ओहो काच 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 काच। सूरज जब चले जाता है तो रस्ते में कांटा दिखाई देता नहीं है। इसीलिए 33 करोड़ देवताओं में सबसे पहले सूर्य नारायण धरती पे आते हैं रोज ड्यूटी करने के लिए। हमारी सेवा में भगवान ने लगाया हुआ है सूर्य नारायण को, हमारी तुम्हारी सेवा में लगे ही वो साहब। सूर्य नारायण जब धरती पे आते हैं उसे प्रातः काल कहते हैं महाराज।
सूर्य से पहले जो अंधेरा है उसे हम ब्रह्मकाल कहते हैं। चौथा प्रहर संभोत हो जाता है और प्रथम प्रहर में ब्रह्मकाल, यानी पहले प्रहर में ही ब्रह्मकाल है। ध्यान पूजा पाठ जो करना है मानसिक वो सूर्य से पहले करना चाहिए, और जैसे सूर्य भगवान आ जाए फिर बाह्य संसार के यज्ञ हवन पूजा पाठ आरती नहाना धोना खाना पीना जलना फिरना ये सब सूर्य की साक्षी में करें। आज राजा परीक्षित ने कलयुग को क्लेश में भेज दिया, क्लेश में दो जगह हो गई महाराज, दूसरी जगह उससे भी खराब, तीसरी जगह वहां पर भेज दिया। फिर द्यूतोन प्रयागतम, जो आदमी पैसे से पैसा लड़ाता है उसे द्यूत बोलते हैं महाराज, जुआ, जहां पर कई लोग मिलकर पैसे से पहले को जीतना चाहते हैं, बाजी लगाते हैं पैसे की, लो 100 का नोट और ये चाल चलो, तो जहां पर चाल चली जाती है वहां पर कलयुग का वास है। इसीलिए किसी के साथ में कभी चाल नहीं चलनी चाहिए, कलयुग रहता है उसमें चाल, चाल चली जाए जहां पर पत्तों की गड्डियां चाल चली जाए। इसलिए किसी के साथ में चाल मत चलो घर में, हाँ चाल अच्छी नहीं रहती, चाल हमेशा खतरा है, तुम्हें भी उनको भी सबको खतरे में डालेगी। क्यों? कोयले को चाहे ब्राह्मण पकड़ ले चाहे छत्री, सबको काला करता है। इसलिए चाल जो चलेगा वो सेफ रहेगा ना, जो चलेगा वो भी बचेगा और जिसमें चली है वो भी बचेगा। क्यों हानि कर रहे हो भाई अपनी, चाल मत चलो। वहां पे कौन रहता है? तीसरा स्थान है कलयुग का वो, हाँ वृंदानुभूत योगम च, अपने घर के उपार्जन के लिए जो स्त्री अपने शरीर की नुमाइश करती है वहां भी कलयुग को भेज दिया। जा महिला सबको प्यारी लगती है तो तू भी महिला के पास चला जा, पर कैसी महिला? जो पैसे के लिए घर चलाने के लिए शरीर का वितरण कर रही है, उस घर उस महिला के हृदय में कलयुग का वास कर दिया महाराज। अब तो घबरा गया कलयुग, कह रहा भाई इससे तो ये मर जाते, हम तो ही अच्छा था, जी के तो और गड़बड़ हो गई, सब गलत गलत जगह पे जा रहे हैं। अब राजा